हाय फ्रेंड्स, मामा पीडिया में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अविका और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं जो आपके पास जरूर होनी चाहिए इससे पहले कि आप अपने बेबी को घर लेकर आए। इससे पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियोस एंजॉय कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, डायपर्स, नैपीज, लंगोट, आप जो कहना चाहें, लेकिन आपको डायपर्स सबसे पहले लाके रखने चाहिए इससे पहले कि आप अपने बेबी को घर लेकर आए। ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे ही बेबी घर आएगा आपके पास बिल्कुल समय नहीं होगा सिवाय उसके कि आप उसका ध्यान रखो कि आप जाकर ये सब चीज़ें खरीद कर लाएं। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि न्यूबॉर्न डायपर्स हर ब्रांड में आते हैं, आप कोशिश करिए कि आपके पास ये बहुत सारी मात्रा में हों, काफ़ी सारे हों, क्योंकि बेबीज़ का एक रूटीन ही होता है, वो बस खाते हैं और पॉटी करते हैं और सोते हैं। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप सबसे पहले आपके पास डायपर और नैपीज ज़रूर होने चाहिए इससे पहले कि आप अपने बेबी को हॉस्पिटल से लेकर आएं। दूसरी चीज़ जो आपको लानी चाहिए वो है अब्सॉर्बेंट शीट्स। अब्सॉर्बेंट शीट्स का मतलब वो होता है जो शीट एक तरीके की चादर होती है जो सोक कर लेती है अगर बच्चा सुसू कर दे उसके ऊपर। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप एक बच्चे को हमेशा ही नैपी में या डायपर में नहीं रख सकते। ऐसा करने से उस बच्चे को रैश हो सकती है और बहुत तकलीफ होती है। तो जरूरी है कि आप एक बच्चे को डायपर फ्री टाइम दें। डायपर फ्री टाइम का मतलब होता है जब हम अपने बच्चे को लंगोट, नैपी या डायपर नहीं पहनाते। इससे स्किन ब्रीथ कर सकती है और रैश नहीं होती। तो आप ऐसी एक अब्सॉर्बेंट शीट भी रख लीजिए, ये बहुत काम आती है। इसके बाद हम आते हैं बॉटल्स और बॉटल स्टेरिलाइजर पर। हालांकि ये बात नॉर्मल सी है कि बच्चा शुरू शुरू में माँ का दूध ही पीता है, ब्रेस्ट फीडिंग ही करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माँ का दूध ज़्यादा निकलता है जिसे हम लेट डाउन कहते हैं। इस केस में क्या होता है कि जब बच्चा दूध नहीं भी पी रहा है तभी भी माँ का दूध निकलता रहता है। तो इस टाइम पे आप उस दूध को वेस्ट मत करिए। आपके पास छोटी छोटी बॉटल्स आती हैं, 30 ml, 60 ml या 120 ml की बॉटल्स भी आती हैं। आप माँ के दूध को उसमें डाल के स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। शायद आप ये जानते होंगे लेकिन जो माँ का दूध है वो 6 घंटे तक आप फ्रिज में रख सकते हैं और बाद में हल्का सा गर्म करके भी बच्चे को दे सकते हैं। उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल कम नहीं होती है। इसी के साथ साथ मैंने बात करी बॉटल स्टेरिलाइजर की। अब स्टेरिलाइजर एक ऐसा डब्बा होता है जो आप माइक्रोवेव में डाल सकते हैं, बॉटल्स डाल सकते हैं उसके अंदर और उससे वो बॉटल्स क्लीन हो जाती हैं। अगर आपको बॉटल्स के लिए नहीं यूज़ करना तो आप पैसिफायर के लिए या फिर बच्चों का जो खाने का चम्मच कटोरी रहता है अगर आप उसको बिल्कुल ही साफ करना चाहते हो तो बॉटल स्टेरिलाइजर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 4 है कॉट, यानी कि बच्चे की छोटी सी एक चारपाई या एक छोटा सा प्ले पेन जो हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि बच्चा कभी करवट लेता हुआ उससे गिर ना जाए या फिर उसके पास एक अपनी खेलने की और एक्सप्लोर करने की नई नई चीज़ें देखने की एक जगह हो। प्रोडक्ट नंबर 5 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर कि हमारे देश में क्योंकि हमारा जनरली मौसम गर्म और ह्यूमिड रहता है, वो है मस्कीटो नेट्स। आपको पता है कि मच्छर एक छोटे बच्चे के लिए ही नहीं बड़ों के लिए सबके लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो शुरू से पहले दिन से आपने ध्यान रखना है, चाहे वो बच्चा सर्दी में पैदा हुआ है या गर्मी में पैदा हुआ है, आप प्लीज़ मस्कीटो नेट यानी कि जो मच्छरदानी होती है वो आप हमेशा अपने पास रखें। छोटे बच्चों की मच्छरदानियाँ बहुत तरीके की होती हैं। कुछ होती हैं जो एक छतरी की तरह होती है, छतरी को अगर हम उल्टा कर दें तो वैसी दिखती हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं। आप उनको अपने नॉर्मल बेड पे लगा सकते हैं, बच्चे की कॉट के अंदर फिक्स कर सकते हैं और काफ़ी कलर्स में भी आती है, आकर्षक भी होती हैं। और आजकल तो कुछ ऐसी भी आती हैं जिनमें खिलौने टंगे होते हैं तो बच्चे भी खेलते रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सोते हुए बच्चे के ऊपर ही रखनी है। तो मस्कीटो नेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा मैं पर्सनली कभी भी अपने बच्चे को कोई क्रीम नहीं लगाती हूँ, मच्छरों वाली मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और थोड़ा टॉक्सिन तो होता ही है उसमें, तो मुझे नहीं चाहिए कि उसकी स्किन पे ऐसी कोई चीज़ जाए जो हानिकारक हो। तो उस वजह से मैं स्प्रे यूज़ करती हूँ और एंटी रिपेलेंट मस्कीटो रिपेलेंट पैचेस यूज़ करती हूँ जो मेरे ख्याल से अभी मामा अर्थ एक ब्रांड है जिसका बिल्कुल टॉक्सिन नहीं होता, बिल्कुल जहरीला नहीं होता है। तो मामा अर्थ के आप स्प्रेस और एंटी रिपेल मस्कीटो रिपेलेंट पैचेस यूज़ कर सकते हो। तो हम इसके बाद आते हैं कपड़ों पर। तो हमको पता तो होता नहीं है कि इट्स गोइंग टू बी बेबी लड़का होने वाला है कि लड़की होने वाली है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान आपने रखना है वो है जो भी आप कपड़े
लें वो साफ होने चाहिए और बहुत सॉफ्ट होने चाहिए। तो स्वाडल ब्लैंकेट्स या वंजीज या जुराबे या जो हाथ की हम मिटन्स लेते हैं बेबीज के लिए, आप उनको कुछ दिन पहले से लाकर रखें, उनको लगातार धोएं ताकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। जनरली जब भी हम कोई नया कपड़ा खरीदते हैं शॉप से तो वो थोड़े से सख्त होते हैं और मुलायम नहीं होते, लेकिन बेबी के लिए ज़रूरी है कि जो भी चीज़ उसकी स्किन को टच करे वो एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, जो भी आप सामान लाएं उसको आप थोड़ा यूज़ करें, उसको वॉश करें, गर्म पानी में वॉश करें, तो इससे वो चीज़ें सॉफ्ट रहेंगी और आपके बच्चे को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचेगी। पॉइंट नंबर 7 है एंटी रैश डायपर क्रीम, जिसका मतलब है कि अगर आपके बच्चे को रैश हो रही है या आप अपने बच्चे को डायपर पहना के रखते हैं तो ज़रूरी है कि आप एक क्रीम लगाएं, या फिर अगर आप अपने घर के नुस्खे आजमाना चाहते हैं तो नारियल का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, ये सब वो चीज़ें हैं जो आपके पास पहले से होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका बेबी इस दुनिया में आएगा आपने उसको डायपर या नैपीज पहनाने शुरू कर देने हैं। तो उस टाइम पे आप प्लीज ध्यान रखिए कि आपके पास एक एंटी रैश डायपर क्रीम हो। पॉइंट नंबर 8 है आपके बच्चे की सेफ्टी के बारे में, उसकी सुरक्षा के बारे में। तो इससे पहले कि आप अपने बेबी को घर लेकर आए, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप अपनी गाड़ी में एक कार सीट जरूर इंस्टॉल करें। मैं पर्सनली आपसे रिकमेंड करूंगी कि एक कार सीट जरूर रखिए, क्योंकि इससे कोई भी झटका, अगर आप बच्चे को गाड़ी में लेके जा रहे हैं तो कोई भी झटका उस बच्चे को लगता नहीं है। उस कार सीट में हर तरफ एक पैडिंग होती है, सिर के पास, गर्दन के पास, पीठ के पास, और बेल्ट्स होती हैं एक बच्चे की साइज के हिसाब से, बहुत सॉफ्ट पर बहुत फर्म बेल्ट्स होती हैं, तो आपके बच्चे को कभी चोट नहीं पहुंचेगी, खासकर जब आप रोड पर हो। तो पॉइंट नंबर 8 है कार सीट। इसके बाद आते हैं उन सब चीजों पे जिनसे आप इन सब स्वाडल ब्लैंकेट्स, बॉटल्स और इन सब को धोएंगे, बेबी फ्रेंडली डिटर्जेंट्स, जिसका मतलब है वो धोने के साबुन या लिक्विड्स जो बिल्कुल पॉइजनस नहीं होते, जहरीले नहीं होते, केमिकल फ्री होते हैं। तो आप अपने सारे बच्चों की सारे कपड़े और बॉटल्स, यहाँ तक कि खाने की चीज़ें जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब आप उन डिटर्जेंट्स से धो सकते हैं। ऐसे डिटर्जेंट्स जो केमिकल फ्री हो, बेबी फ्रेंडली हो, आराम से आपको ऑनलाइन स्टोर्स पे या आपके नेबरहुड स्टोर्स पे मिल सकते हैं। तो इनको आप पहले से लाकर रखिए क्योंकि आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। पॉइंट नंबर 10 और आखिरी चीज जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है चाइल्ड प्रूफ लॉक्स और गैजेट्स। मेरा बेटा 1 साल का हो गया है और अब मैं हर चीज को कवर करने की कोशिश में लगी रहती हूँ और यही सोचती हूँ कि काश ये मैंने बहुत पहले कर लिया होता। ऐसी बात है कि ये चीज जो चाइल्ड प्रूफिंग है आपके घर की, अपने घर को सुरक्षित बनाने का जो कोशिश है, ये आप तब नहीं करेंगे जब आपका बच्चा 1 साल का हो गया है। आप मानेंगे नहीं बच्चे कितनी जल्दी जल्दी बड़े होते हैं, तो जब आपका बच्चा 7 दिन का या 2 हफ्ते का भी होगा तभी वो पलटना शुरू कर देगा, कोशिश करेगा अपनी गर्दन को ऊपर करने का, तो इस टाइम पे वो बहुत कोशिश करते हैं यहाँ वहाँ हिलने की और तब चोटें लगती हैं। तो प्लीज़ आप चाइल्ड प्रूफिंग करिए, आपको कोशिश करनी है कि जितना सेफ्टी लॉक होते हैं, जैसे कि ड्रॉर्स के आगे एक लॉक लग जाता है, अलमारियों के आगे एक लॉक लग जाता है, अगर आपने वो चारपाई ली है अपने बेबी के लिए तो उसके अंदर एक पैडिंग लग जाती है, तो वो सब चीज़ें आप पहले से तैयार करिए ताकि जब आपका बेबी घर आए तो वो इन चीज़ों में थोड़ा घूम फिर सके, एक्सप्लोर कर सके और अच्छे से बढ़ सके। तो ये थी 10 एसेंशियल यानी कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगता है कि आपके पास पहले से होनी चाहिए इससे पहले कि आपका बेबी हॉस्पिटल से घर। अगर आपने भी ऐसी ही लिस्ट बनाई हो या आपने इसके अलावा कोई चीज़ें ला के रखी थी आपके बेबी के आने से पहले, तो प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मामापीडिया।